الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد تمام حمد و ثناء अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा। दुरूद व सलाम तमाम अंबियाए कराम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिन्होंने इस्लाम का अमली नमूना हमारे सामने पेश किया, और दुआएं तमाम सालहीन के लिए, तमाम अहले इस्लाम के लिए, उन लोगों के लिए भी दुआएं जिन्होंने पिछले साल इरादा किया था कि वो हज पर जाएंगे। वो लाखों लोग जो हज पर जाने की हसरत लिए हुए अपने घरों में हैं, अपने वतन में हैं, और हसरत के साथ सोच रहे हैं कि काश इस साल मौका मिला होता। लाखों लोगों की हसरतों के लिए, उनकी तसल्ली के लिए दुआएं हैं, और उन बेशुमार लोगों के लिए दुआएं हैं जो इस अरसे में हमसे गुजर गए, और उन बेशुमार लोगों के लिए दुआएं हैं जो बीमार हैं और जो शदीद बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, और सब लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत और अपनी अमान में रखे और ईमान और इस्लाम के साथ रखे। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दीन भेजा है, जो इस्लाम भेजा है, आज उस इस्लाम के अहद को, आज उस इस्लाम की तजदीद करने का दिन है। आज का दिन कुर्बानी का दिन, कुर्बानी के जरिए से इस्लाम को ताज़ा करने, इस्लाम की तजदीद करने और इस्लाम का अहद को ताज़ा करने का दिन है, पुख्ता और पक्का करने का दिन है। अल्लाह ताला ने जो दीन भेजा, वो दीन और जिस दीन को अंबियाए किराम ने बरत कर दिखाया, वो दीन कुर्बानी वाला इस्लाम था, कुर्बानी से लबरेज, कुर्बानी से मामूर इस्लाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्लाम देखिए, जब वो छुरी हाथ में लेकर बैठे खड़े हुए थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इस्लाम देखिए, जब वो जमीन पर लेटे हुए इंतजार कर रहे थे कि उनकी गर्दन पर छुरी चल जाए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम देखिए कि जब वो मक्का से लेकर ताइफ तक पत्थर खा रहे थे, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे थे, और फिर सहाबे कराम के इस्लाम देखिए कि कैसे कैसे उन्होंने कुर्बानियां दी। कुर्बानी इस्लाम का अटूट हिस्सा है, कुर्बानी के जरिए से इस्लाम की तकमील होती है, इस्लाम के अंदर कुर्बानी है। इस्लाम का मतलब अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना होता है, अपनी सारी चीजों को अल्लाह के हवाले कर देना होता है, और कुर्बानी उसका इजहार है कि हमने वाकई सब कुछ हम अल्लाह के हवाले करने का अहद करते हैं। हजरात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस इस्लाम का नमूना पेश किया, वो कुर्बानी वाला इस्लाम था, और उनके बाद फिर उनकी नस्ल में बनी इसराइल आए, उन्होंने उस इस्लाम में से कुर्बानी की रूह निकाल दी, उनका इस्लाम बेजान हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस्लाम में और बिगड़े हुए बनू इसराइल के इस्लाम में कुर्बानी का फर्क है। आप इस फर्क को पर गौर कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जज्बे कुर्बानी ये कि अल्लाह ताला ने ख्वाब के जरिए से हिदायत दी, इशारा किया, तो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। और एक बनी इसराइल का इस्लाम देखिए कि पूरी कौम को मिलकर अल्लाह के रसूल ने साफ साफ हुक्म दिया कि अल्लाह हुक्म देता है कि
कि पूरी कौम मिलकर एक गाय की कुर्बानी करे, पूरी कौम कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं थी। तो जब कुर्बानी का जज्बा निकल जाता है तो पूरी कौम मिलकर एक कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होती है, और जब कुर्बानी का जज्बा होता है तो एक बाप अल्लाह के इशारे पर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है। कुर्बानी का जज्बा इंसान के अंदर इज्जत, गैरत, बुलंदी, हिम्मत, अजीमत पैदा करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्लाम देखिए कि हजरत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त के नमरूद बादशाह के दरबार में खड़े हैं और आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब है जो मौत और जिंदगी का इख्तियार रखता है। मामूली बात नहीं है। और फिर बनी इसराइल, जिन्होंने इस्लाम की रूह को निकाल दिया और बेरूह इस्लाम का दावा करते रहे, उनका हाल क्या था? वो मिस्र आए और मिस्र में फिरौनों के गुलाम बन गए। एक तवील सदियां, कई सदियां उन्होंने गुलामी की गुजारी। तो इनके वो कौम जिनके जद्द अमजद बादशाह की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, उसी जलीलुल कद्र नबी की नस्ल में वो कौम बरपा हुई, वो कौम वजूद आई जिस कौम ने अल्लाह ताला के दुश्मन जालिम फिरौन बादशाहों की गुलामी कबूल कर ली, और मुकम्मल गुलामी। तो फिर उनका जो हाल हुआ वो आपने देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पर एक और उम्मत को बरपा किया, उम्मत मुस्लिमा, जिसकी दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर करते हुए की थी। और वो जो दुआ है कितनी प्यारी दुआ है, रब्बना वजअल्ला मुस्लिमैन लक, ए रब हमें इस्लाम का कामिल इस्लाम का नमूना बना दे, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी ज़ुर्रियत में एक उम्मत बरपा कर या रब जो मुस्लिम हो, जो इस्लाम का नमूना हो, जो इस्लाम पर चलने वाली हो। और इसके फौरन बाद जो दुआ की वो क्या थी, वअरिना मनासिकना, और हमें हमारी कुर्बान गाहें दिखा दे। कुर्बान गाहों का इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक है। इस दुआ का, वारिना मनासिकना का एक बहुत महदूद मफहूम है कि हम अपने जानवर को कहां कुर्बान करें, किस तरीके से कुर्बान करें, कैसे लिटाएं, कहां छुरी चलाएं, इसका तरीका बता दे। और एक इसका बहुत बड़ा अजीम मफहूम है, इस्लाम के शायान शान मफहूम, और वो ये है कि हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी तवानाइयों को, अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को कहां कहां कुर्बान करें, तेरे दीन में की राह में कहां कहां लगाएं, अपनी जिंदगी को हम कहां लगाएंगे तो तू राजी हो जाएगा, अपने वक्त को हम कैसे गुजारेंगे तो तू राजी हो जाएगा, अपनी सलाहियतों को किस किस मैदान में लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे तो तू राजी हो जाएगा, अपनी तवानाइयों को कहां कहां जाकर निचोड़ेंगे तो तू खुश हो जाएगा। अरिना मनासिकना, हमारी कुर्बान गाहें, जहां हम अपने आप को, जो कुछ हमारे पास है तेरा दिया हुआ है, वो सब कहां कहां कुर्बान कर दें, वो सब जगह हमको दिखा। बहुत प्यारी दुआ है, और ये दुआ उम्मत मुस्लिमा की रगो पे में शामिल हो गई जब उम्मत मुस्लिमा बरपा हुई। आप देखें, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्मत को तैयार किया था, उस उम्मत के एक एक फर्द में सब कुछ कुर्बान कर देने का कैसा जज्बा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब अपने कुल असासे का आधा असासा लाकर पेश कर दिया, यह कुर्बानी का छोटा जज्बा नहीं था। लोग 2.5% निकालना लोगों पर दुश्वार गुजरता है, अपने कुछ माल का 2.5% निकालना, पूरे माल का नहीं, सिर्फ जकात वाले कुछ माल का 2.5% निकालना दुश्वार होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला पर
50% निकालना दुश्वार नहीं था, कुर्बानी का जज्बा था, कुर्बानी वाला इस्लाम था। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने पूरा असासा लाके पेश कर दिया, यह कुर्बानी का जज्बा था। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उम्मत के इत्तेहाद की खातिर, इस्लाम की खातिर इक्तदार को ठोकर मार दी, कुर्बानी का जज्बा था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला उन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जान दे दी, कुर्बानी का जज्बा था। उम्मत की पूरी तारीख में जो भी काबिल फख्र लोग हैं, जिन पर हम रश्क करते हैं, जिनका नाम हम एहतराम से लेते हैं, उन सब की जिंदगियां कुर्बानी से भरी हुई थी। तो ये उम्मत, अगर ये उम्मत मुस्लिमा है तो ये फिर कुर्बानी वाली उम्मत है, क्योंकि इसको जो इस्लाम दिया गया है ये कुर्बानी वाला इस्लाम है। ये कुर्बानी से, अगर इस इस्लाम से कुर्बानी को निकाल लिया जाएगा तो फिर ये इस्लाम बेरूह हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। हजरात, अल्लाह ताला ने हमको कुर्बानी वाला इस्लाम अता किया है, लेकिन इंसान शैतानों के बहकावे में इंसान क्या करते हैं कि उसमें से कुर्बानी निकाल देते हैं और उसके बाद फिर वो वाला इस्लाम इख्तियार करते हैं जिसमें कहीं कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़े, कहीं कुछ सामना नहीं करना पड़े। तो ये आज का जो दिन है, कुर्बानी का दिन, कुर्बानी कीजिए, जरूर कीजिए, दिल से कीजिए, और उस दुआ को सामने रखकर कीजिए जो कुर्बानी की मसनून दुआ है कि इन्नी वज्जहतु वज्ही लिल्लज़ी फ़तरस समावाती वल अर्द, मैंने अपने पूरे रुख को पूरे तौर पर उस रब की तरफ कर दिया है जो आसमान और जमीन का खालिक है। वमा आना मिनल मुशरिकीन, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा, किसी बात में, किसी मैदान में शरीक नहीं करूंगा। वमा आना मिनल मुशरिकीन, इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि उसके साथ कोई शरीक नहीं है, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं इस्लाम लाने वालों में पेश पेश रहूंगा। हजरात, कुर्बानी कीजिए और इस जज्बे के साथ कीजिए कि आज जब हम कुर्बानी करेंगे तो यहां से फिर हमारा कुर्बानी वाली जिंदगी शुरू होगी। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्तेआत बख्शी है वो हकीकी कुर्बानी करें, और जिन्हें अल्लाह ताला ने, जिनके यहाँ इस्तेआत नहीं पाई जाती है और वो कुर्बानी नहीं कर सकते तो अपने तसव्वुर में कुर्बानी करें। सब लोग कुर्बानी के जज्बे से गुजरें, कुर्बानी के एहसास से गुजरें और इस तरह से कुर्बानी की एक नई जिंदगी शुरू करें, कुर्बानी वाले इस्लाम का अहद करें और फिर अपने साथ एक तेज धार वाली छुरी रखें, तेज धार वाली छुरी, तकवा की छुरी, कि जब कोई ख्वाहिश अल्लाह की मर्जी के खिलाफ सर उठाए फौरन उसे ज़िबा कर दे, जब कोई मफाद अल्लाह के दीन के आड़े आए फौरन उसे कुर्बान कर दे, किसी मफाद को, किसी ख्वाहिश को सामने नहीं आने दे। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, जो अल्लाह के दरबार में कुर्बानी नहीं देता है वो फिर न जाने कहां कहां सब कुछ लुटाता है। बनी इसराइल ने जब कहा गया कि एक गाय ज़िबा करो तो पूरी कौम तैयार नहीं हो रही थी, और वही कौम सामरी ने कहा कि अपने सारे जेवर लाके दे दो, तो सारे चांदी सोने के सारे जेवरात लाके उन्होंने जमा कर दिए, सामरी को दे दिए बछड़ा बनाने के लिए। ये हकीकत है कि जो चीजें अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च की जाती हैं वो बातिल के रास्ते में खर्च होती हैं। जो वक्त और जो तवानाइयां, जो सलाहियतें, जो माल, जो असबाब अल्लाह की मर्जी के लिए और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होंगे वो सामरी के बछड़े में जाके शामिल होंगे। कुर्बानी का जज्बा ये इस जमीन पर हमारी बाइज्जत जिंदगी की जमानत लेगा, और ये कुर्बानी का जज्बा इस्लाम की सही नुमाइंदगी का हमें शरफ अता करेगा।
अगर हमने मफादात की खातिर मफादात के गुलाम हो गए तो कुर्बानी से महरूम हो जाएंगे, तो हम जलील और रुस्वा हो जाएंगे। और अगर हम ख्वाहिशात को हम कुर्बान नहीं कर सके तो फिर हम जिस इस्लाम की नुमाइंदगी करेंगे अहले वतन के सामने, इस दुनिया वालों के सामने, वो इस्लाम अल्लाह का दिया हुआ इस्लाम नहीं होगा, वो हमारी ख्वाहिशों वाला इस्लाम होगा। ख्वाहिशों वाले इस्लाम में कोई कशिश नहीं होती है। कुर्बानी वाले इस्लाम में, खालिस इस्लाम में, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाले इस्लाम में असल में कशिश होती है, जिसकी तरफ दुनिया बढ़कर आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वह हमें सही इस्लाम, खालिस इस्लाम, कुर्बानी वाले इस्लाम के को ताज़ा करने की आज तौफीक अता फरमाए, कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए, कुर्बानी के जज्बे को ताज़ा कर दे और हमें एक सच्चा कुर्बानी देने वाला मुसलमान बनाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। Thank you.